आए हुए हैं, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं आप? क्या वजह इतनी जोर से आप चीख रहे हैं? क्या रीजन है? अच्छा, मैंने सुना है कि लोग इसलिए यहां बहुत एक्साइटेड हैं, अखबार में लाइन छपी है आज सुबह कि दादा भगवान हॉल में लोग बहुत उत्साहित, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सपने पूरे करने की हाथ लगा रहे, अरे फोटो खींच रही है इसलिए, मेरे को मुझे मना कर रही है लोग, ये बाय बाय कर रहे हैं और मुझे लग रहा था कि मना कर रहे हैं। अखबार में आज सुबह न्यूज छपी है कि दादा भगवान के हॉल में ग्रीन टीम का कार्यक्रम हो रहा है और हर व्यक्ति बहुत उत्साहित है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। यस, आपको आवाज पीछे ठीक आ रही है? क्या मैं अपना माइक चेंज करूं? ठीक है, यस। पता है कुछ लोग, यार मुझे मजा नहीं आ रहा मॉनिटर में, कुछ लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं और 75 साल में दफनाए जाते हैं। समझते हो वो लोग कौन होते हैं? समझते हो कौन होते हैं वो लोग जो 25 साल की उम्र में मर गए और 75 साल में दफनाए गए? आदमी मर तो उसी दिन जाता है जिस दिन उसके सपने मर गए, और आदमी तब तक जिंदा रहता है मरने के बाद भी, अगर उसके सपने उसके मरने के बाद भी वो नहीं तो कोई और पूरा करता रहे। महात्मा गांधी का सपना देश को सोने की चिड़िया बनाने का था, बना के नहीं बना ये राजनीतिक नेता बताए, लेकिन पर हर नेता आज देश को सोने की चिड़िया बनाने की बात करता है। महात्मा गांधी मर गए लेकिन उनके सपने नहीं मरे। मैं पूछ रहा हूं आपसे जो आप कुर्सी में बैठे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके सपने हैं ही नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे सामने बैठे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है हमारे सपने मर गए? नो, मैं मान नहीं सकता कि जिसके सपने जिंदा हो और वो व्यक्ति उनको अचीव ना कर पाए। सपने जिंदा का मतलब उनमें एक आग, उनमें एक तूफान होना चाहिए, उनमें एक कॉर्डलेस माइक दो, उनमें एक एक जज्बा चाहिए, उसमें चाहिए एक फोर्स। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी के पास वो फोर्स हो फिर अचीव ना कर पाए। एक व्यक्ति एक साधु महात्मा के पास गया और उसने कहा मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। उसने कहा ठीक है, कल सुबह 5 बजे आ जाना। और कल सुबह 5 बजे उसने एक पहलवान को बुलाया और कहा कि इसे नदी में डुबो दो। 10 मिनट की कसम कस के बाद उस दुबले पतले से आदमी ने जिसे भगवान की खोज थी उसने उस पहलवान को पलटी मार दी और तैरता हुआ किनारे पे आ गया। साधु महात्मा के पास गया कल्पेश राय को और पूछा कि मैं भगवान से मिलने के लिए आया था और आपने मुझे पहलवान से नदी में डुबा दिया, तो बहुत बढ़िया बात जो साधु ने कही वो सुनने जैसी है कि साधु ने कहा क्या तुझे भगवान को पाने की ललक इतनी ज्यादा है जितनी अपनी जान बचाने की थी? तूने पहलवान को पलटी मार दी, तूने पहलवान को हरा दिया और जान बचा ली, लेकिन भगवान को पाने की जहद और भगवान को पाने की जहमत वो शायद इतनी नहीं है, तो तू घर से ठोकरे खाता रहेगा। ईमानदार
ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के भगवान को साक्षी मान के ये सोचना अभी इसी बात कि आपके जो सपने हैं ना रमेश, वो क्या वो इतने ज्यादा पेनफुल है कभी जान पे बनाए तो ही मुझे सपने पूरे करने हैं। अगर होते तो अचीव हो गए होते। जो लोग ददर की ठोकरें खा रहे हैं कि यहां नहीं यहां मिल जाएगा, यहां नहीं यहां मिल जाएगा, भगवान ऐसे घूमने पर नहीं मिलते। जो अच्छी ददर की ठोकरें खा रहे हैं कि हर चमकने वाली चीज शायद सोना होती है, 1 लाख लगाओ 5 लाख हो जाएंगे। मैं अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करता हूं, उनके सपनों को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि वो सपने तो पूरे होने वाले नहीं है। उन्हें नहीं दे रहा हूं मैं श्रद्धांजलि, उनके लिए तो हमारे दरवाजे खुले हैं, कल भी खुले थे, आज भी खुले हैं, कल भी खुले रहेंगे। मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं उनके सपनों को, क्योंकि वो पूरे होने वाले नहीं है। और हो भी जाएंगे तो क्या, पैसा आ भी जाएगा तो लोगों के आंसुओं पर और लोगों की आंसुओं के वाहन पर अगर किसी के सपने पूरे हों तो भगवान करे कि हमें वो सपने पूरे नहीं करने हैं। लोगों की बर्बादियों के मंजर पर अगर मेरे पास एक पैसा भी आए तो मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। भगवान का भला करे। हमने ना किसी के बारे में बुरा सोचा था, ना आज सोच रहे हैं, ना कल हम सोचेंगे। ये तो गंगा बह रही है, जिसे गंगा जल पीना हो वेडिंग टीम में आ जाए। पर जिसके भाग में प्यासा मरना लिखा है वो उस गंगा के किनारे से दूर हो जाता है और छोड़ देता है गंगा को, ये सोचते हुए कि तो नाली का गंदा पानी है, मुझे इससे पवित्र पानी और नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, सुन ले वो मेरी बात। हजारों लाखों वर्षों से वो गंगा बह रही है, वैसी बहती जा रही है। लोग आए गए, गंगा में स्नान किया, पवित्र हुए, गंगा जल पिया, नहीं पिया, चले गए। ना गंगा को किसी से बैर है, ना विरोध है, ना नाराजगी है। नहीं दिन भी वैसी गंगा की तरह पवित्र है। पर मैं पक्की बातें कहता हूं कि हमारे एक्शन में और हमारे सपनों में एक तालमेल होना चाहिए। तुम टारगेट बनाते हो 2000 पीढ़ी का और सपने का पोस्टर लगा रखा है मछली का। लखनऊ ने लाइन बोली थी अभी कि विनिंग टीम में नहीं होते 2000 पीढ़ी वाले, लेकिन 2000 क्वालिफिकेशन चाहिए महावीर जी, 2001 से 2002 ना हो जाए वो अगले महीने कर लेंगे। लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? मछली। ओ माय गॉड, सिकमा ये सब नहीं है तुम्हारे पास? 2000 बीवी की सोच वाले लोग मछली नहीं चला पाते, वे टेम्पू में बैठ के ही आएंगे। वो सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन लोग कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हम पिछले फैमिली में भी आए थे, हम अभी भी हैं, अगले में भी आ जाएंगे। और आप पूछो कि आर यू एक्साइटेड, हम कह देंगे यस। हम सुबह हैं, सुबह समझते हो एक ऊंट था, ऊंट वो सेना का ऊंट था, रिटायर्ड हो गया सेना से। भावी सिंह जी आप सेना में थे ना, एयरफोर्स में थे आप? अच्छा, ये बिधर से। कोई बात नहीं, कोई मिलिट्री के लोग होंगे ना, यहाँ हाथ खड़ा करो मिलिट्री। यस यस, तो मिलिट्री में एक ऊंट था, वो भी रिटायर्ड हो गया। अब वो किसी खेत में गया चरने के लिए, तो बेचारा किसान आया और वो अपनी टुनटुनियां बजाता हुआ आया खाली,
वो ऊंट सुने ही नहीं, चले जाए खेत चले जाए, फिर वो थोड़ा पास में जाके बजाता है, फर्क नहीं पड़ता। फिर वो पास में जाके बजाता है, फर्क नहीं पड़ता। जब ऊंट का पेट भर गया, उसने अपना मुंह ऊपर किया और डकार ले ली, और डकार लेने के बाद मुंह टेढ़ा करके बोलता है किसान से, सुन हम सेना के ऊंट हैं, हमें तो दुश्मन के नगाड़ों से फर्क नहीं पड़ा। और ये तेरी तरह सी टुनटुनिया हमारा क्या बिगाड़ लेगी? तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो सुबह है ऊंट की तरह, अब भैया सुनो हमें तो भगवान आ गया, उससे भी मदद करने की कही तो भी हमें असर नहीं पड़ा, तुम्हारी ये जरा सा फैमिली रियूनियन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे हिरण की तरह, पता नहीं किस लीडर की एक बात तुमको चुप जाएगी और अगर फैमिली रियूनियन में वो एज ए ब्रांड न्यू डीओसीडी बन के स्टेज पे होंगे। ऐसे हमारे पास लोग हैं। लक्ष्मण तुम कितने दिन में ड्यूसीडी गए? 22 महीना, 22 महीने में लक्ष्मण ड्यूसीडी गया। शिवकांत कितने दिन में गए तुम? 5 मंथ। और लोग भी है ना, अनु तुम कितने दिन में गए? 30 मंथ। सुन रहे हो आप? ये तो वो लोग हैं, वो वाली खेप जब हमने शुरू किया था। है आप में ताकत, लगा लोगे जोर। मैंने कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 5 वर्षीय योजना वाले होंगे, हर क्लास को 5 साल में पूरा करते हैं। हम उनका भी सेलिब्रेशन करेंगे जितेंद्र, और उनको बुलाएंगे। अवर स्लोएस्ट ड्यूसीडी जो मुझे 20 साल कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के बाद आज ड्यूसीडी दिया। तुम्हें अगर सेलिब्रेशन चाहिए तो वो भी होगा, पर 20 साल से कम बालों का नहीं। अतुल 20 साल बाद जाना, बीच में जाओगे या तो तुरंत चले जाओ अगले साल, या 20 साल बाद जाना तभी सेलिब्रेशन होगा। बीच वालों का क्या है, ये टेम्पो के गियर की तरह है। टेम्पो का गियर देखो ऐसा, डिसाइड करके जाना पड़ेगा आज। और इसलिए जो हमारा एक्शन है, कल आप लोगों ने कुछ देखे होंगे, वो हमारे क्या किसके ऊपर, वो स्टाम्प पेपर के ऊपर लोगों की कमिटमेंट के, ये देखो। नहीं सर, आप समझते नहीं हो, हमारे पास ना चैलेंज है। तुम अपने चैलेंज का झुंझुना बजा के बैठे रहो, कोई पूछे नहीं आएगा। रोने वाले लोगों के साथ एक आदमी साथ नहीं होता है, सिर्फ सिंपैथी दिखाने के। और मुझे नहीं चाहिए सिंपैथी, और ह्यूमन टेंडेंसी है, हर एक आदमी को सिंपैथी चाहिए। हटा दो ये विनिंग फॉर्मूला, हमने विनिंग फॉर्मूला बना रखे हैं अपने। अपनी सिंपैथी हमें लोगों से चाहिए, हम रोते रहते हैं। सिंपैथी चाहिए हमें? नहीं चाहिए भारत को, हिंदुस्तान को, किसी अमेरिका की, किसी रशिया की सिंपैथी। चाहिए तो पाकिस्तान ले ले। नहीं चाहिए हमें किसी की सिंपैथी। टेंडेंसी कैसे होती है, ह्यूमन टेंडेंसी। छोटा बच्चा होता है ना, आपके साथ जा रहा है छोटा बच्चा, आप जा रहे हैं लेके जा रहे हैं, बच्चे की उंगली छूट गई, बच्चा पीछे, आप आगे, अब बच्चा गिर गया। अब वो देखता है गिरा हुआ बच्चा कि माँ देख रही है कि नहीं। आरती तुमने देखा तुम्हारे बच्चियों के साथ, वो देखता है कि माँ देख रही है कि नहीं। और माँ ने नहीं देखा और माँ सीधी चल दी तो चुपचाप खड़ा होगा, पेन झाड़ेगा, खराब हो चल देगा। और माँ ने जैसे ही पीछे देखा, अम्मा क्या कही, उठो जाओ, उठो पढ़ो जाओ, जा जा जा, और उसे गोद में ले जाएगी। क्यों सही कह रहा हूं मैं? जरा तू जरा ऊपर जल्दी से, तू ऐसे ही करता है ना।
ले प्रेमराज और रीता का ऐसा क्यों करता है? पता नहीं, मजा आता है। मैंने ना कोई फिक्सिंग नहीं है, ध्यान रखना। मैं तो रिस्क खेलता हूँ स्टेज पे, बुला लिया पता नहीं कि पलटी मार जाता। नहीं, मुझे पता है मार ही नहीं सकता कम वक्त है। हाँ, पहली बार यहाँ आए? पहली बार आए, क्यों आए हो? एक्साइटेड था बहुत, मेरे को आना था यहाँ पर। बहुत सारे लोग के स्पीच देते, मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी। तेरे को एक काम करना है इसके बाद, तेरे पापा मम्मी को ना अब ड्यूटी तो चले गए, ड्यूटी तो जा चुके, अब उनको एक बात बोलना है कि पापा मम्मी मुझे ना मालदीव जाना है, समझ गया? और उसके लिए उनको चेक चाहिए 25 लाख का। तू समझता 25 लाख? सीरियस है, देखो कितना सीरियस है। हाथ बांध के ओके, मुझे पता है किसी कैसे काम कराना है। प्रेम रास्ते में क्या क्या काम नहीं करा सकता, घर में छोड़ दूंगा ये छुनछुनिया। और ये बाप से कहेगा पापा घर में क्यों बैठे हो, प्लान दिखाने जाओ, मेरे पास सारे तरीके तुमसे काम करवाने के। बैठो बेटा, ये जानते हैं ह्यूमन टेंडेंसी है, बच्चा रोता है इसलिए क्योंकि उसे पता है सिंपैथी चाहिए। और माँ भी बहुत होशियार होती है, उसे देख लिया बेटा गिर गया है, देखो देखो मत उसकी तरफ, देखो मत, देखो मत, चले चलो सीधे ऐसे देखते। वो चलती सामने है, नजर पीछे होती है, ध्यान रखती है कि बच्चे को चोट ज्यादा ना लग गई हो, लेकिन ये भी देखती है कि ऐसा ना हो कि वो सिंपैथी लेने के लिए रोना शुरू कर दे। ये सारी माताएं होशियार है लीला, सही कह रहा हूं? हमारे बिजनेस में नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम सिंपैथी गेन करते हैं, अपने के पास रोने पहुंच जाएंगे, अरे यार चैलेंज बहुत है, बेटा ऐसा कर रहा है, पत्नी ऐसी कर रही है, वैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत हालत खराब है, डाउनलाइन सुनती नहीं है, अपलाइन ऐसी हो रही है, पता है क्यों? इसको सिंपैथी चाहिए। और फिर अपलाइन कहती है अच्छा ओ माय गॉड, फिर दोनों बैठे रोने लगते हैं। उससे आगे की बात अब सुनो, फिर वो जिस अपलायन के पास रोने गया, वो अपलायन उसकी अपलायन को रोती है, मेरी टीम में बहुत चैलेंज है, एक ही आदमी आया है अभी रोता हुआ, वो अपलायन को हमारी टीम में बहुत चैलेंज है, लोग बहुत परेशान हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, लोगों को चैलेंज ज्यादा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब वो अगर ऊपर वाला अपलायन स्ट्रांग नहीं है वो भी रोने बैठ जाएगा, सारे रोंटे इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि सबको सिंपैथी चाहिए। अगर ऊपर वाला अपलायन स्ट्रांग है तो पता है क्या कहेगा? ओके, इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट ये नहीं है किसके साथ काम करें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके साथ काम ना करें। तुम्हें जिन लोगों के चैलेंजेस निपटाने हैं, अपना चेक 10 लाख रुपए महीने का कर दो और फिर तुम्हें लगे उसको पैसे बांट देना, इनको छोड़ दो, काम किसी और के साथ करो, बंटवारा किसी और को। yes. हम क्या इसके लिए हैं? मैं आपसे कह रहा हूं बंद कर दो सिंपैथी लेना। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, बच्चा सिंपैथी मांगता है, बीमार आदमी को सिंपैथी चाहिए। आप किसी बीमार को पूछने जाओ, तबीयत कैसी है? कमजोरी है। अच्छा कमजोरी कौन सी बीमारी होती है डॉक्टर रवि गुप्ता? कौन सी बीमारी होती कमजोरी बताओ, क्या इलाज है कमजोरी का? ये क्या दे देंगे, मल्टीविटामिन दे देंगे? ज्यादा रोएगा तो इंजेक्शन ठुकवा देंगे B12 के 2-4? क्या है? और सुनो, बीमार से पूछो कैसे लग, अच्छा सा नहीं लग रहा है। या बड़े डेफिनेशन ऑफ अच्छा सा नहीं, ये क्या दवाई आती कोई जो अच्छा था जिसको नहीं लगे उसको वाली गोली दे दो? क्या होता है? पेट दर्द हो रहा है? नहीं। सिर दर्द हो रहा है? नहीं। कमजोरी लग रही है? नहीं। भूख लग रही है? हाँ। पेट साफ हो रहा है? हाँ। फिर पता नहीं अजीब अजीब सा हो रहा है, इसको सिंपैथी चाहिए। और तुमको ओ माय गॉड ओहो अच्छा बस ठीक हो जाएगा। गरीबी एक सिंपैथी है और हमारी सरकारें बहुत महान है, ये गरीब को और गरीब करने में माहिर हो गई है। गरीब है चावल फ्री दे दो, दाल फ्री दे दो, नरेगा में इसको स्कीम दे दो, आदमी का क्या हो रहा है उन्हें मतलब नहीं है, उनसे वोट मिलना चाहिए उन्हें उससे मतलब है।
गरीब अमीर बनने की नहीं सोचता, सिंपैथी। हम बहुत गरीब हैं, ये रोते फिरते लोग, उन्हें सिंपैथी चाहिए। और जब तक तुम्हें सिंपैथी लेकर आओगे लोगों की, जब तक ये सहानुभूतियां लेकर आओगे लोगों की, इससे अपना बिलिंग फॉर्मूला बना लोगे और कभी ठीक नहीं होगे। मेरे साथ हुआ, मैं 1992 में जब सबों के पेट में था, मैं बीमार हुआ, मैं बीमार तो एक साल था, बाकी का ढेर साल मैं लोगों की सिंपैथी लेता रहा। मैं मेरा वजन हर हफ्ते में 10 किलो, हर हफ्ते में 1 किलो वजन कम हो रहा था। तो मैं मसीह में जब खड़ा होता था तो मैं, ये पहले ऑर्डर था मेरे दिमाग को, वजन कम हो गया। मैं पजामा पहनता था ना तो ऐसा हिला हिला हिलाता था, नीचे खिसका नीचे खिसका नीचे खिसका, सबको पता चल जाएगा कि नीचे खिसक गया, मैं कितना दुबला हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ठीक हो गया ना सीधा तो मुझे काम करना पड़ेगा। ये मैं आज रियलाइज कर सकता हूं, मैं अगर ठीक हो गया ना तो बिजनेस तो मेरे पास कोई और है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस काम नहीं है तो बीमा बने रहो वही बहुत है। और कोई मेरे से आगे पूछता था तबियत कैसी है तो मैं 15 मिनट की पूरी कहानी सुनाता था, मुझे ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, और अभी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। सीरीज समझ में आ रही है? उसे कहते हैं विनिंग फॉर्मूला। और हम सब लोगों ने, बहुत बारीक बात कह रहा हूं, हम सब लोगों ने अपने अपने कोई ना कोई विनिंग फॉर्मूले बना रखे हैं और उसका पकड़ के झुंझुना बजाते रहते हैं और ये समझते हैं इसकी वजह से मैं सफल नहीं हो रहा हूं। आपका विनिंग फॉर्मूला क्या है वो आप डिसाइड करो। व्हाट इज योर विनिंग फॉर्मूला? राजेंद्र दीक्षित, सरकारी नौकरी विनिंग फॉर्मूला नहीं हो सकती भैया। करने तो बहुत चाहता हूं पर नौकरी है ना इसलिए विनिंग फॉर्मूला है। अब हम कहें हाँ सही बात है, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। किसी के मां बाप, अभी एक लीडर यहां है, मैं नाम नहीं जानता, उसे मुझे मैसेज डाला है, वो तो खड़ा हो जाए, उसकी माँ अस्पताल में सीवियर हार्ट अटैक आया है, कल इंस्टेंट डले आईसीयू में, और वो माँ को आईसीयू में, वो खड़े हो गए, हाथ ऊपर करो। क्या नाम है आपका? नीलेश। डायमंड है आप? डायमंड है, बोलो। और इन्हें परसों बोला कि माँ ठीक हो जाएगी, मैं फिल्म अटेंड करूंगा, पर आज में मैसेज आ दिया मैं आ रहा हूं, मैं निकल पड़ा रास्ते में, माँ की फोटो डाली वो आईसीयू में। इनके पास विनिंग फॉर्मूला हो सकता था कि मां अस्पताल में, अरे कुछ ऐसे कम, बैठो बैठिए, थैंक यू, कुछ ऐसे कम भगत हैं जो इसलिए नहीं आए क्योंकि उत्तर गुजरात में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी है, है ना? और पता है उनकी तो जाने दो, ये जितने हमारे नौरतन बैठे ना इतने सारे यहां, ये जाके उनके साथ ही काम करेंगे कम भगत। सुनना आगे तुम्हें, ओ तुम नहीं आए, आओ, क्योंकि जो गया था वो तो कर ही लेगा, खत्म हो जाओगे। ये विनिंग फॉर्मूला है कि गुजरात के लोग काम नहीं करते, ये विनिंग फॉर्मूला है कि महाराष्ट्र के लोग अक्खड़ होते हैं, ये विनिंग फॉर्मूला है कि राजस्थान के लोगों के पास पैसे नहीं है। कुछ भी बना लो, आग लगा दो इस विनिंग फॉर्मूले में। ये भी विनिंग फॉर्मूला है, जिस आदमी को 10 घंटे सोना होता है ना वो भी विनिंग फॉर्मूला बना रहता है, मेरी बॉडी को ना 10 घंटे की रेस्ट चाहिए। ये विनिंग फॉर्मूला है क्योंकि तुमको सोना है। मेरा ज्यादा प्लान नहीं दिखा सकता, क्योंकि ज्यादा प्लान दिखाता हूं तो गला खराब हो जाता है, तो फिर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता। ये भी विनिंग फॉर्मूला है। Find out your winning formula and kill it. नहीं चाहिए सिंपैथी, नहीं चाहिए कोई विनिंग फॉर्मूला। ये भी विनिंग फॉर्मूला है, मैं जितने लोगों को लाता हूं वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तू लाता उनको जिनको जाना है, तू ऐसे क्यों नहीं लाता जो नहीं गए? हमारे भी जाते हैं, कमरों में बैठ जाए, उनकी टीए की बैठक करे, तो चले गए दूसरी कंपनी में। सो व्हाट, जाना था, तू गलत आदमी को ले आया, तो मैं क्या करूं? कोई नहीं, हंसी करता रहे, सही रह जाएंगे, गलत रह जाएंगे।
सही बैठे ना सामने वाली सीटों पे, गलत नहीं है। तो मैं उनके चक्कर में इनको नहीं लाता, तो वो मेरी फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूं, मैं कितने बार नेटवर्क बनाऊं, तूने एक बार भी तमीज से नहीं बनाया है। इसे तू रोता फिर रहा है, अगर एक बार तमीज से बना लेता ना तो ये कुछ नहीं आता। समझ आ गई? मैं सब पता है, मुझे क्या रोते फिरते हो तुम हमारे पास। हाँ दीपक कुछ बोलना है? रूपल पटेल, रूपल पटेल कौन है, खड़ी होना जरा। रूपल पटेल यहां खड़ी होना, वो उधर खड़ी है, इधर आओ। ये दिखी नहीं ना, ये रूपल पटेल है। अभी दीपक ने बताया इनके हस्बैंड को थर्ड स्टेज कैंसर है। जो छोटे बच्चे हैं, घर में कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं है, वो 3 दिन के फंक्शन के लिए आई है। इसे पता है थर्ड स्टेज का मतलब क्या होता है? किसे नहीं पता। कितनी उम्र है बहन तुम्हारे हस्बैंड की? ये हाथ दिलाओ, हाथ दिलाओ। कितनी उम्र है तुम्हारे हस्बैंड की? 45। देखो सी किल द विनिंग फॉर्मूला, सी किल। ये तो कह सकती थी, इसे फ्यूचर दिख रहा है ना, इसे पता है 45 साल की मेरे हस्बैंड की है जो थर्ड स्टेज का कैंसर है, मतलब भविष्य कैसा है। वी अप्रिशिएट यू। सफलता आसानी से नहीं मिलती, हम भी कुछ भी कह सकते थे। वो देख रही है श्रीदेवी पासी को, वो देख रही है मंजूषा जीतकर को। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे सपनों में दम नहीं है, तुम्हारे सपनों में भी जान नहीं है। अगर तुम्हारे सपनों में जान होती तो तुम्हारे पास ये विनिंग फॉर्मूले नहीं होते, और ये विनिंग फॉर्मूले नहीं होते तो ये काम नहीं होता जिसके लिए हम करते हैं। नहीं नहीं बहुत तकलीफ हो रही है, सुनो जो ऑपरेशन टेबल पे जो दर्द होता है ना, वो दर्द को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए होता है। नहीं समझ आया? ऑपरेशन टेबल पे दर्द होता है, उसको चीरा जाता है, फिर टांके लगाए जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है ना। वो ऑपरेशन टेबल का जो दर्द है वो इसलिए हो रहा है कि जीवन के तुम्हारे दर्द खत्म हो जाए। इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, वे सारे चैलेंजेस इस बात के लिए आ रहे हैं कि जिंदगी के सारे दर्द खत्म हो जाए। चैलेंजेस तो होंगे, पर मैं फिर कहता हूं जो लोग जा चुके किसी चमकने वाली चीज को, वे तो जा चुके, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, देख लें क्या कैसा है, देख लें क्या, सोच लें क्या। मैं उनसे इतना कह सकता हूं, गलत दिशा में कदम मत बढ़ाना। जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत छोटी है, एक बार अगर फिसल गए, गलत कदम रखा गया, तो फिर लौटना बहुत मुश्किल होगा। मैंने बर्बादियों के मंजर देखे हैं इन पिछले 23 सालों में। मेरे समझाने से कोई समझा नहीं है, अगर मेरे समझाने से कोई समझ जाए तो उनके अपने कर्मों का क्या होगा। उनकी गति खोटी लिखी है तो बुद्धि वैसी चलेगी, जैसी गति होनी निश्चित है वैसी मति चलेगी, तो समझ कैसे जाएंगे मेरी बात। लेकिन फिर भी भाव आता है, विकल्प आता है, मन में इच्छा होती है एक बार समझा दें। लोग बहुत लोग और लालच देने आएंगे, 1 लाख लगाओ 5 लाख हो जाएंगे, मत फंसना, तुम अपनी जिंदगी खो बैठोगे, अपना पीस ऑफ माइंड खत्म कर लोगे, अपनी रेस्पेक्ट खत्म कर लोगे, इज्जत खत्म कर लोगे। बहुत ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं है, पैसा किस तरीके से आ रहा है ये होना ज्यादा जरूरी है। बहुत देख लिया हमने पिछले 22-23 सालों के अंदर, हमें लोगों की तकलीफें, लोगों की बर्बादियां, लोगों की सफलताएं, लोगों की सोच, वो सब देखी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सब कुछ
हमारी जिंदगी नहीं कर सकता, ड्यूअर बनना होगा, हमें लवर नहीं बनना होगा। अच्छा ये जो है ना, ये गुजरात महाराष्ट्र में जो आप लोग या हैदराबाद में ये घोड़ी के आगे कोई बैठता है ना, दूल्हे के आगे है? कौन होता है वो? अनवर, अनवर बोलते हैं हमारे। तुम्हारे क्या बोलते हैं? दरवाजा, हाँ जो भी है उसे अनवर बोलो। अनवर, अनवर बेचारा गरीब छोटा बच्चा होता है, वो सारे काम करता है जो दूल्हा करता है। दूल्हे को टीका लगता है, उसको टीका लगता है, दूल्हे को पकड़ी, उसको पकड़ी, दूल्हे को सिर मारी, उसको सिर मारी, दूल्हे को कटार, उसको कटार, दूल्हे को मिठाई, उसको मिठाई, दूल्हे को लिफाफा, उसको लिफाफा। देव असली बारी आती दुल्हन मिलने की। तो वो अनवर गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और तो चड्डी पहन के घूम रहा होता है, कहीं मतलब बात कर रहा होता है, या तो बाकी गोद में दूध पी रहा होता है। दुल्हन नहीं मिलती अनवर, बाकी सारे काम करता है, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो दुल्हन के लिए आया नहीं था, दुल्हन पाने की बर्निंग डिजायर उसके पास नहीं थी। तुमने सारे काम कर लिए, तुमने 9 करोड़ कर लिए, लेकिन ड्रीम पे फाइन नहीं किया। तुमने बाकी सारे काम कर लिए लेकिन 10 करोड़ नहीं किए। तुमने सब कुछ कर लिया लेकिन तुम्हारे पास एक पेनफुल स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं है। दुल्हन नहीं मिलेगी, अनवर रह जाओगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, कंपाउंडर रह जाओगे। बेचारा 25 साल तक एक आदमी कंपाउंडराई करता है, उस डॉक्टर से 10 गुने ज्यादा ऑपरेशन उसने देख लिए, लेकिन डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई के बाद सर्जरी करता है, और वो कंपाउंडर को अधिकार नहीं है कि वो किसी पेशेंट को हाथ लगाए। वो जीवन में कंपाउंडर ही रहता है, वो नर्स ही रहता है, डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई के बाद बन जाता है। एक कुछ चीज है जिसकी वजह से आप तूफान खड़ा कर दोगे। बहुत मत सोचो, बहुत सोच लिया, बहुत एनालिसिस मत करो। मेरे दूसरे टॉपिक में मैं बात करूंगा, मैं फेथ की, मैं कितना एनालिसिस करोगे, हर कदम कदम पे एनालिसिस करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। एक बार फेथ हो गया, एक बार स्टडी कर ली, एक बार देख लिया बेस्ट इज द बेस्ट, बिच इज अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, विनिंग टीम इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, अब टूट पड़ो भरोसे के साथ। एक आदमी का पैर गोबर में पड़ गया, अब वो बैठा, उसे देखा ये क्या है, गोरा था, समझ नहीं आया, उसने थोड़ा ज्यादा उठाया, फिर टटोला क्या है, फिर सूंघा, फिर समझ नहीं आया, फिर चखा, तो बोलता है थक तेरे की गोबर है, जबकि उसका दोस्त समझा रहा है ये गोबर है। कितना एनालिसिस करोगे लक्ष्मण? कर लिया बहुत एनालिसिस, सोच लिया ना, बहुत सोच सोच के आए थे ना हम। कितना सोचोगे अतुल महेश, कितना सोचोगे? हम हर कदम पे डाउट 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 डाउट, हर कदम पे परीक्षा परीक्षा परीक्षा। मैंने संध्या को 3 महीने सोच समझ के देख भाग ब्याह किया ना, अब हो गया ना, अब बाबा चेक करता रहूं कैसी लग रही है। अरे जैसी लग रही है मेरी लग रही है, मेरी है, काम खत्म, सीरीज हो गई ना, एक बार ब्याह हो गया ना हमारा बेस्ट चीज के साथ, हो गया ना हमारा विनिंग टीम के साथ अटैचमेंट, शादी हो गई ना, क्या बाबा चेक करते फिरोगे जिंदगी भर। मैं सच कहता हूं, जो जिंदगी में मुझे चेक करता रहेगा मैं छोड़ दूंगा। संध्या की बात नहीं कह रहा हूं, संध्या से कह रहा हूं तू मत चेक करना मुझे बार बार। हो गई ना एक बार निपट गई ना, तू बाबा चेक करते रहोगे, अरे यार लंबे तो थे, बाबा देखते रहोगे। एक आदमी ना गांव के फुटपाथ पे बैठा हुआ था, हम फुटपाथ पे नहीं अपने घर के बाहर, तो रोज वहां से बैठ के ना दतून करता था, वो दतून समझते नीम की दतून होती थी, नीम की नीम 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 की लकड़ी, और नीम दतून करता था। वहां से रोज एक भैंसा निकलता था जिसके ऐसे सींग थे, ऐसे ऐसे सींग थे, और वो रोज सोचता था कि मेरा सिर अगर इस भैंसे के सींगों में फंस जाए तो क्या होगा। एक दिन उसको लगा, अरे यार बहुत सोचते सारा, एक बार देख ही लेते हैं।
और वो गया और उसने अपना सिर भैंसी के सिर सीन में फंसा दिया। होना क्या था, उस दिन कमबख्त लाल टी शर्ट और पहना हुआ था और उसने लेको आगे भागे फेंक दिया और अस्पताल में पहुंचे। बस हॉस्पिटल में पैर से लेके सिर तक प्लास्टर बंधा हुआ है, आगे खुली हुई, तो लोग जो आए उन्हें पूछा कि भैया क्या किया, कि यार वो जो भैंसा आता था ना ऐसे सीन वाला, उसने सिर फंसा दिया। तो लोगों ने कहा यार फंसाने से पहले सोचा समझा नहीं। तो बोलता है क्या बताऊं, 6 महीने सोच सोच के फंसा ही थी। जो लोग फंसे हैं ना, जो फंस गए हैं उनसे पूछो कि भैया तुमने हमें छोड़ के कहीं और फंसने के लिए पहले सोचा नहीं। जिंदगी किसी और चीज का नाम है, खूबसूरती का नाम है, जिंदगी उस एंजॉयमेंट का नाम है, जिंदगी उस फ्रीडम का नाम है। हम सिद्धि की बर्थडे पर हमने सोचा कि हम मालदीव जाएं, लेकिन सुबह हमने पैसे जमा किए सर्वज्ञ ने, और दोपहर में संध्या के फादर, मेरे फादर इन लॉ, बच्चों के नाना की डेथ हो गई, तो हमने उसको कहा कैंसिल करो, हम नहीं जाएंगे, और हम बेंगलोर गए। दूसरी बार डेट सर्वज्ञ ने फिक्स की कि अब चलते हैं मालदीव, मालदीव इतना ड्रीम डेस्टिनेशन। तो हमारी मदर की तबीयत इतनी सीवियर हो गई कि उनको छोड़ के अकेला जाना मुश्किल था, हमने दोबारा कैंसिल कर दिया। वो आदमी समझ नहीं पा रहा है कि कौन लोग हैं। पहले हमने डिसाइड किया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पहले नहीं जाना डिसाइड करते हैं, उन पैसों का क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। और पैसे भी कम नहीं थे, 15 लाख रुपए थे, तो वो निपटते रहेंगे। फिर तीसरी बार बीच में संध्या की बर्थडे आ गई, तो हम अमेरिका थे, हम थे ही नहीं, तो चेरी की बर्थडे आने वाली थी, तो सोचा कि चलो यार अब चले चलते हैं। चार दिन का समय कोटी 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 करते करते चलते हैं, और जैसे सब सेटल मामला है हुआते फिर लौट आएंगे। तो हम गए। मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि एसपी भारी क्या एंजॉय किया क्या कर रहा है, हमारे सिर के ऊपर तो एक लेवल लग गया है पब्लिक कैरियर। ट्रक होता ना ट्रक, यहां लिखा होता है पब्लिक कैरियर, हम पब्लिक कैरियर है। अब हम नहाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे टीम का एक एक आदमी अगर इस तरीके से नहाएगा तो कैसा होगा। हम अगर खाना खाते हैं तो सोचते हैं कि अगर मेरी टीम के हर व्यक्ति को ऐसा खाना हो तो कैसा होगा। जितने भी यूसीडी है ना, ये सब ग्रीन रूम में एक ही बात कहते हैं कि भैया अब क्या करें कि हम अपने एक टीम के एक व्यक्ति को यूसीडी ले आए, उस लॉन्च को बड़ा कर दें। ये ग्रीन टीम की खास बात है, हम एंजॉय बाद में करते हैं, पहले आपके बारे में सोचते हैं कि आप कैसे आएंगे। और एक लीडर का काम यह होता है कि खुद आगे चले और बताए कि ये तकलीफ है तो मत आना, और ये बताए कि यहां इतनी एंजॉयमेंट है, चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ले चलता हूं। मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं आपको दिखाऊं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं आपको दिखाऊं सारी दुनिया की खूबसूरती आपके लिए है। मैं आपको दिखाऊं, और मैंने ये बात ग्रीन रूम में अभी मेरे ड्यूसिटी से कही है कि कह दो पूरी विनिंग टीम को कि मैं उन हर व्यक्ति को मालदीव ले जाना चाहता हूं। क्राइटेरिया क्या होगा वो तुम लोग डिसाइड करो, ड्यूसिटी मिलकर डिसाइड करेंगे इस मालदीव जाने का, लीडर को ले जाने का क्राइटेरिया क्या हो, और चलोगे आप तैयार हो। yes! थोड़ी सैर करके आते हैं उस मालदीव की जगह की जहां आपको जाना है। कुंदन प्लीज हेल्प मी, जरा दिखाओ, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा ये ये हाँ ये वो जगह है, ये बहुत पता है खास बात क्या है मालदीव में, ये ना ये इसकी जो सैंड है, जो मिट्टी है, जो बालू है, ये व्हाइट कलर की है, सफेद है, और पानी जो है ना ये जो पानी दिखाई दे रहा है ये पानी है, ये हरा पानी नीला पानी है, और पीछे ये नीला है और ये हरा पानी है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ डेप्थ है और यहाँ डेप्थ नहीं है, और यहाँ ये सफेद बालू है।
मैं बता दूं आपको कि इसी रिसोर्ट में कुछ दिन पहले कुछ फिल्म स्टार जिसमें कटरीना के टाइप के लोग, टाइप के मतलब उस कैटेगरी के लोग अभी होके आए, और वो सेम टाइम वो लोग बगल वाले रिसोर्ट में थे और सब हमें एयरपोर्ट पे मिल गए, जिसकी मैं बात अभी कर रहा था आपसे, क्योंकि उनके लिए इससे बढ़िया डेस्टिनेशन कोई नहीं है। ये जिस रिसोर्ट में बात कर रहा हूं कॉस्टलीस्ट रिसोर्ट है ये मालदीप का, और अगर मैं डेस्टिनेशन की बात करूं तो इससे महंगा डेस्टिनेशन कोई और नहीं है अभी तक। मुझे हवाई भी इसके सामने कुछ नजर नहीं आया, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये वो है क्या है? ये चॉपर, सी प्लेन। मैं सी प्लेन देखे थे पर बैठा नहीं था, पहली बार हम बैठे सी प्लेन में। ये ना ये प्लेन है लेकिन पानी पर इसका रनवे वाटर होता है, सड़क नहीं, ये रनवे पे होता है और पूरा हाइट पे जाता है, पूरी हाइट पे जाएगा ये 15-20 हजार फीट तक जाता है यार। ये वो रिसोर्ट है जिस रिसोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये सफेद बालू, ये सफेद सॉरी ये जो ये आप देख रहे हो ना, इस बीच में कोई नहीं मिलेगा आपको हमारे अलावा। ये खास बात है, ये मतलब वो जू की चौपाटी नहीं है कि यहाँ लोग ही लोग हैं, यहाँ लोग नहीं है, और ये सिर्फ इन्हीं टीम के लोगों के लिए रिजर्व है। और ये एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम का रेस्टोरेंट है, पानी के अंदर है, और यहाँ पानी कम से कम 25 फुट 20 फुट होगा, और ये ब्रिज है लकड़ी का जो आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा ये। और जब मैं एंट्री की तो इन्होंने ये ब्रांडेड ये पानी, और ये है वो जो सी प्लेन, ये है वो लाउंज। घूमने जाओ तो ऐसे जाओ लिमिटलेस होके जाओ, आपको ना लगेज की चिंता करनी पड़े, आपके घर से लगेज उठा और आपके होटल के कमरे में मिले, और होटल के कमरे से उठा तो आपको सिर्फ एयरपोर्ट पे, वो भी सिर्फ चेक इन के समय आपको मिले, पोर्टर लेकर आए। घूमने जाओ तो वैसे जाओ ना, मैं ले जाना चाहता हूं आपको, इसी में आपसे कह रहा हूं विजुलाइज करो अपने आप को, वहां हमारी फोटो मत देखो, आपकी आपके बच्चों की फोटो देखो आप वहां पर। तो मत करो, मैं कर रहा हूं ना जब। और ये वो लाउंज है, वो सी प्लेन है, और ये वो बोट है जहां सी प्लेन रुका, और वहां से हम रिसोर्ट तक गए। तुमसे ही हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा क्या? अच्छा, ये वाटर विला है, पानी के अंदर विला है ये। सिंह साहब देख पा रहे हो अपने आप को, कितनी बड़ी सरकारी नौकरी कर लेना, जा नहीं पाओगे, जाओगे कंडीशन पीछे पड़ जाएगा। एक ही तरीके से जा सकते हो, जब विनिंग टीम से पैसे कमाएंगे, जब बेस्ट टीम से पैसे कमाएंगे। ये पता है ये पूल है, ये पूल है, और ये समुद्र है, पता है ये पूल है, साफ पानी का, और ये खारे पानी का समुद्र है, और ये वाटर मिला है जो मैंने देखे थे, ये समुद्र है, ये पूल है, और इधर ये रेस्टोरेंट है। विजुलाइज करो आप वहां हैं, विक्रम मालविया देवास से अनंत रिसोर्ट मालवी मालदीप, समझ गए? और ये वो हमारा बीच रिसोर्ट है, हम 4 दिन थे, 2 दिन बीच रिसोर्ट में थे, 2 दिन वाटर मिला में थे। ये बीच रिसोर्ट है जिसमें हमने यहां से एंट्री की, यहां से एंट्री की, ये बार बैठने जगह है, ये झूला, और ये पूल है, प्राइवेट पूल खुद का, जिसमें कोई और नहीं है। ये वो रूम है, बीच बिला का रूम, और ये ब्रेकफास्ट की टेबल है, और ये वो सैंड और बीच। इस पे आने तो कुछ कहने को है नहीं, नो कमेंट्स। ये सब रियल पिक्चर्स हैं, इंटरनेट की नहीं है,
ये बहुत कोशिश की सरवर को मिट्टी में दबा दिया जाए और इसको लेके नहीं जाया जाए और वहीं पर काम कर दिया जाए। और चेरी का ड्रीम था कि पापा मुझे ना ये इस झूले पे जाके चित्र खिंचानी है। और तब तक यहाँ पे 4 फुट पानी था और हम जबरदस्ती पकड़ के चित्र चिल्ला के वहां लेके गए। इस पानी में आप पानी की क्लैरिटी देख रहे हो, नीचे 5 फुट तक 6 फुट तक की जमीन साफ साफ दिखाई दे रही है। और हम मैं और सिद्धि कोशिश कर रहे हैं सरबत को दबाने की, चेरी डाउट में है और संध्या सोच रही है कि ऐसा मत करो तो ठीक है। हाँ इसका वीडियो प्ले करोगे। एक डिसीजन लिया था 1999, मुझे 12 साल तक समझ में नहीं आया वो निर्णय। 12 साल बाद समझ में आया, इसके 10 साल बाद हम लोग घूमे यहाँ पे बहुत ही के लिए जीता हूं। मेरा मेरी नेक्स्ट जनरेशन अगर झूले पर मालदीव के उस नीले पानी के अंदर बैठी है और बेटा अगर ये कह रहा हो कि डिसीजन लिया था मैंने और आज हम दोनों यहां हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ मेरी जिंदगी के लिए नहीं हो सकती। और मैं आपके लिए वो सपना देख रहा हूं, जस्ट विजुलाइज। मैंने ये सब नहीं बोला है, जस्ट विजुलाइज। ये वो है वो इस पानी में तैरने की चीज। अब वो मैं तो सही बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं बोलूं तो ही ठीक है। और ये इसके बाद ये वो रूम है, ये वाटर विला वाला रूम है, जो वो पानी के अंदर जो रूम है, ये पानी के अंदर है। और ये झूला है और पीछे समुद्र है, ये सी है। और ये रूम है, जो ये बेड है, ये जो दिखाई दे रही है ना, ये रजाई है, ये बेड है। इस बेड से आपको वो सीन दिखाई दे रहा है। ये पलंग के एक कोने से मैंने सीन लिया है, फोटोग्राफ है। ये पूल है, ये दूसरा विला है सर्वज्ञ का। और ये पूल है और ये सी है और ये पलंग है। और ये वही विला है, ये पलंग यहां पर है जो मैंने आपको दिखाया। ये पूल आ गया इस एंगल से, ये वो झूला है। और ये पता है क्या, ये बाथरूम है, बेडरूम के बराबर बाथरूम है। इस बाथरूम में ये हॉट टब है और यहां पर ओपन बाथ है, नीचे ग्लास लगा हुआ है, तो जब आप खड़े होकर नहाते तो नीचे समुद्र दिखाई देता है। यहाँ WC है, WC में भी नीचे ग्लास है। विशाल जब तुम बैठोगे ना WC के ऊपर और नीचे पानी होगा, तो मुझे पता नहीं है कि अब उतरेगी कि नहीं उतरेगी, लेकिन मजा बहुत आएगा। और ये वो सीन है जो सेंड है, एक सेकेंड पीछे। ये जो ना, ये रेस्टोरेंट है, दिस इज रेस्टोरेंट। और ये ना ये जो दिखाई दे रही है, लास्ट चेरी और सर्वर के लास्ट कोने पर बैठे हुए, उसके पास सी है। नो बाउंड्री, कोई ग्लास नहीं है, कोई चेन नहीं है। ये हमें साइकिल चलाई बहुत, ये हिंदुस्तान में चला नहीं पाते हैं, वही चला लें। दिस इज हैप्पी बर्थडे टू संध्या चेरी एंड सिद्धि, क्योंकि हमने 3 लोगों की बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट की, क्योंकि हमने सोचा कि जहां से शुरू किया था और जहां तक पहुंचे गुलाब, तो एक साथ तीनों की सेलिब्रेट कर लो। और अच्छा भी है ना यार, एक खर्चे में तीनों सलट गए, राइट।
तो ये केक उन्होंने अरेंज किया और ये जयपुर से भी उन्होंने अरेंज किया। ये पता है क्या है? ये है इन वाटर अंडर वाटर रेस्टोरेंट, पानी के 25 फुट नीचे रेस्टोरेंट है जहां पर हम खड़े हुए हैं। वो अगर वीडियो इसमें है एंट्री वाला नहीं है, तो ये पानी के अंदर, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे रियल फिश है। अभी केकड़ा भी आ जाएगा यहाँ पर। ये पानी है और ये पानी है और पानी के अंदर ये है रेस्टोरेंट। और इस पे ये उन्होंने टेबल सजाई हमारे लिए, पूरा जैन फूड फ्रूट्स सब अरेंजमेंट उन्होंने स्पेशल किए। और ये बर्थडे का दिन था जिस उन्होंने ये सेलिब्रेशन और अरेंजमेंट किए सब। ये सब ये सिद्धि ने अरेंजमेंट किया था, ये हमने नहीं किया। अब इस वक्त आप मेरी तो छोड़ो, संध्या की शक्ल देखो, वो आप अपनी पत्नियों के चेहरे पे वो पीस, वो शांति, वो एंजॉयमेंट, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट देखना चाहते हो? ऐसे मरे पिटे। और फिर मैंने वहां संध्या से पूछा इसी जगह, संध्या तुम्हें अपने पति पे गर्व है? ये वही टाइम होता है लक्ष्मण पूछने का कि प्रांजलि तू सोचती है लक्ष्मण ठीक है? ये वो जगह है। और ये समुद्र है, ये सीढ़ियां हैं, मतलब एकदम। और ये सिद्धि संध्या को छेड़ रही है सेल्फी लेते हुए, और सर्वज्ञ और चेरी। ये पता है ये सबसे खतरनाक जगह है, ये जो झूला जो दो पेड़ों के बीच में बंधा होता है और ये समुद्र के ऊपर है, ये सी है, सी के ऊपर है, ये तीनों सीर में सी के ऊपर, मतलब ये जो विला है विला से अटैच होकर ये बनाया हुआ था उन्होंने, ये उनकी USP है। ये हमारे लौटने का समय होगा शायद। हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें कोई नहीं है, इस जहाज में ये वो सीप्लेन, ऊपर पानी नीचे पानी चारों तरफ से पानी ही पानी, और ये विला भी पानी में और ये सड़क भी पानी में और हम भी पानी में, तुम भी आ जाओ पानी में। मैं वहां भी आपको याद कर रहा था, किसके लिए बनी है दीपक की चीजें? धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपसे कहेगा कि आप वहां चल सकते हो। यस, लेकिन विनिंग टीम है ना, आपके अपना लीडर है ना, जो आपसे कह रहे हैं कि आप चल सकते हैं। मैं चलूंगा आपको लेके, आप चलेंगे मेरे साथ। yes! तो कुछ अचीव करना पड़ेगा, आपका अधिकार है, ये दुनिया की चीजें हमारे लिए हैं, बनी हमारे लिए। करना क्या है? 10 फुट स्टेप। कुछ प्रायोरिटी सेट करनी है, फोकस वर्किंग करनी है, मैसिव एक्शन करना है, प्रेम आइसक्रीम से लेके मालदीव की उस सफेद रेतीली बालू पर और नीले नीले पानी पर। मैं बहुत भावुक हो जाता हूं उस वक्त कि कोई वजह, कोई साधन, कोई रीजन दुनिया में बताने वाला नहीं है कोई व्यक्ति कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम उस जगह हैं कि जहां कोई हमारे साथ है और ये कहने के लिए कि तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं सच कहता हूं, जाओ यहां से और सीधा प्रश्न पूछो 16 लोगों से, मुझे अगले 6 महीने में 1,00,000 रुपए महीने कमाने वाले 16 लोग चाहिए, क्या तुम उसमें से एक बन सकते हो, बनना चाहते हो? मैं उनकी मदद करने को तैयार हूं।
1,00,000 रुपए कमाने वाले 16 लोग तुम्हारे पास नहीं हो सकते तैयार? सीधा प्रश्न पूछो, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, आप तैयार नहीं हैं तो मैं किसी और को देखता हूं। मुझे सिर्फ 16 चाहिए, जो 1,00,000 मेरे कमाने को तैयार है। क्यों? उसके पास भी आपने कोई पूछने वाला नहीं मिला। देखो, एक पूछ लेगा उससे, कोई नहीं मिला उसे पूछने वाला। गाड़ दो बल्लियां। सबसे पहले जिसकी बल्ली करेगी वो जीतेगा। हम तैयार हैं, आपके अपलाइन तैयार है, ब्रिंग टीम तैयार है, बेस्ट टीम तैयार है, किसका इंतजार है? हमारा डिस्ट्रैक्शन हमें रोकता है, हमें परेशानियां हमें रोकती है, हम अपने आप को खुद हम रोकते हैं। बस मैं क्यों कहता हूं बल्ली गाड़ने की बात, समय नहीं है, लेकिन अगर आप तैयार हो गए तो छूट जाओगे आप। कोई रोकने वाला नहीं है, खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खड़े होइए। अपने बगल वाले का हाथ पकड़िए, पकड़िए अपने बगल वाले का हाथ। वो आपकी अगर पत्नी है, नहीं तो आपकी माँ है, नहीं तो आपकी बहन है। अगर लेडी भी है तो आप हाथ पकड़िए, जेंट्स है तो पकड़िए ही पकड़िए, वो आपका फैमिली मेंबर है, पकड़िए हाथ। कोई भी हाथ खाली ना रहे, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तुम भी पकड़ना पड़ेगा। इधर आओ, तो बीच में पकड़ो, बीच में भी आओ, बीच में भी आओ, पकड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं ब्रेक हो जाएगा मामला। यस, चलो इधर। और जो आगे उधर खड़े ना, अकड़ा तुम अकड़ा तो पीछे वाले को पकड़ो, आगे वाले को पकड़ो। ये जो वेव्स हैं, ये जो तरंगे हैं, ये जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। पीछे भी आप किसी का पकड़ो, कली भाई हाँ किसी का पकड़ो जरूर। आप समझते हो इसका मतलब क्या होगा? इसमें यह है, वो व्यक्ति जो 5% पे है, वो व्यक्ति जो DOCD किया है, वो व्यक्ति जिसके पास पिछले महीने 170 रुपए का चेक आया, वो व्यक्ति जिसके पास 25 लाख 50 लाख का चेक आया। समझ रहे हो आप इस बात को? और मैं भी आ रहा हूं उनके, मैं भी पकड़ रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात आपसे कि हम हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारी जो वेव्स है, वो सब एक दूसरे के साथ अटैच हो गई है। अब कोई बचा नहीं है, वो जो तरंगे हैं वो एक दूसरे के साथ जा रही है। वो व्यक्ति भी है जो आज की बेचा करता था, आज ड्यूटी भी है। वो भी है जो कैब चलाता था, ड्यूटी भी। वो भी है जो पुलिस वाला था, आज ड्यूटी भी है। आप अकेले नहीं है, आपके साथ वो सब हैं। आप कैसे कह सकते हैं मैं अकेला हूं? आप कैसे कह सकते हैं मेरे साथ कोई नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास किसी की वाइब्रेशन नहीं है? आज वो सारी वाइब्रेशन आपके पास है। कोई हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, और हम परमात्मा को साक्षी मानते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आप बोलिए जोर से, हे परमपिता परमात्मा, आपकी आवाज में दम नहीं है, हे परमपिता परमात्मा, आपकी आवाज में वो जोश नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने सपनों के लिए तैयार हूँ और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं ईमानदार बिजनेस बना रहा हूँ, पीढ़ियों के लिए बिजनेस बना रहा हूँ, और मुझे इसमें तेरी सहायता की जरूरत है। जब तू साथ है तो कौन खिलाफ हो सकता है? मेरे सपने मेरे साथ हैं, कौन रोक सकता है? मेरे साथ है, कौन मुझे टोक सकता है? रेस्टिंग मेरे साथ है, कौन मुझे हरा सकता है? जब रिंकी मेरे साथ है तो मैं तो जीत चुका, ये काम तो हो चुका, और निर्णय मैंने अभी इसी पर ले लिया है। और दुनिया वालों,
निर्णय ले लेता हूँ तो जीवन में चमत्कार होते हैं, बड़े चमत्कार हो चुके। थैंक यू वेरी मच। और तैयार हो जाइए अपने पूरा करने के लिए।